अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोस्तों, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डेरिंग एडवोकेट। डॉक्टर जी के नाम से एक फिल्म लॉन्च हुई है बॉलीवुड में, वो आयुष्मान हीरो इसका, और प्रीति सिंह, अनु भुट्टी डायरेक्टर है इस फिल्म के। जंगली प्रोडक्शन ने फिल्म लॉन्च की है। ये फिल्म फैमिली के साथ देखने वाली तो है नहीं, सस्ती कॉमेडी करी है इन्होंने इस फिल्म के। ये आयुष्मान वो फैमिली के साथ बैठने के लायक होती नहीं है देखने के। इसकी पुरानी फिल्में उठा के देख ले आप, विकी डॉनर्स के नाम से इसकी एक फिल्म लॉन्च हुई थी, वो भी ऐसे ही फिल्म थी कि वो फैमिली के साथ आप देख ही नहीं सकते फिल्म। और इसकी फिल्म जो है वो कोई सिनेमा में नहीं लगती, सबसे बड़ी बात ये है। सारी लोकल फिल्म, लोकल चलती है इसकी, लोकल यानी कि नेटफ्लिक्स पर इसकी फिल्में चलती है, सिनेमा में भी नहीं चल लगती इसकी फिल्म। तो मकसद कहने का ये है कि फिल्म के अंदर कुछ मेरे रिव्यू हैं, मेरे पर्सनल रिव्यू हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। मैंने इस फिल्म की चीज़ें कुछ देखी हैं। तो ये डॉक्टर बहुत बनता है, MBBS करता है, और अपने जो है जिस फील्ड में ये जाना चाह रहा होता है, यानी कि इनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है डॉक्टर्स की, उस फील्ड के हिसाब से इसको जगह नहीं मिलती। यानी कि ये ऑर्थोपेडिक में जाना चाह रहा होता है, इसको भेज देते हैं गायनी में। अब गायनी में भी भेजते हैं, वो गायनी में भी वो नहीं जो खवातीन के जो यानी कि जो पर्सनल मसले मसाइल होते हैं वो उसमें ये चला जाता है। अब यार मेरी एक बात नहीं समझ आती कि हॉस्पिटल के अंदर जो इतना बड़ा आप बता रहे हैं फिल्म के अंदर कि आप डॉक्टर क्या बच्चे क्या मजाक है क्या, मकसद कहने का ये है क्या बच्चों वाला काम है क्या, डॉक्टर उठ के आए और स्पेशलाइजेशन चेंज करके किसी और सीरीज में चला जाए। मतलब यहाँ तो ये हो सकता, ज़रूर हो सकता, लेकिन बनता डॉक्टर ही है वो। लेकिन ये क्या है कि डॉक्टर पढ़ कुछ और रहा है और जा किसी और चीज़ में रहा है। मकसद उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो सर्टिफिकेट से हटके किसी और चीज़ में चली गई। वो मार्क्स नहीं आए उसके, जो भी है वो फिल्म के अंदर जो दिखाया है कि उसके मार्क्स वो नहीं आए तो उसको उठा के उसमें डाल दिया, औरतों में जाना चाहता था ये। और इंतहाई सस्ती कॉमेडी, मकसद बॉलीवुड के अंदर फिल्मों में कॉमेडी पहले कुछ फिल्में आती थी, मतलब बहुत अच्छी फिल्में लॉन्च की हैं, बॉलीवुड माना ही जाता है फिल्मों से, तो उनकी जो फिल्में होती थी ज़बरदस्त होती थी। मुझे ये फिल्म बिल्कुल नहीं पसंद आई, क्योंकि इसमें एक तो सस्ती कॉमेडी है, बिल्कुल सस्ती कॉमेडी, कोई इसमें कोई इतना कोई इन्होंने तीर नहीं मारा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं जो रिव्यू देना चाह रहा था, ये ऑर्थो मैं जाना चाहते हैं ये उसमें चले जाते हैं, डिफरेंट केसेस ही हल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, डिफरेंट केसेस हल करते हैं तो उसके अंदर केसेस जब हल करते हैं तो इनकी कुट लगती है, तो ये मसले मसाइल पैदा कर देते हैं खवातीन के साथ, उनके बाहर मर्द खड़े होते हैं, उनको पता चलता है कि यार ये क्या कर रहा, तो वो मारना शुरू कर देते हैं इसको। तो मकसद कहने का ये है कि यार आप फिल्म बना रहे हैं, ये अनु भुट्टी ने फिल्म बनाई है, डायरेक्टर अनु भुट्टी है, जंगली प्रोडक्शन की ये फिल्म है। अब ये फिल्म बना के इन्होंने लॉन्च तो कर दी है यार, आप कहने का ये क्या सस्ती कॉमेडी दिखा रहे हैं यार, ठीक है, और कुछ सिनेमा में भी नहीं लगी हुई, नेटफ्लिक्स में भी चल रही है फिल्म, तो ये क्या आप दिखा रहे हैं यार। ऐसी हंसी आ रही है मुझे यार ये वो। अच्छा, ये तो हीरो जो है, क्या नाम है इसका, आयुष्मान, ये मुझे अजीब ही लगता है हीरो, मकसद ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये इसको ईद पे भी अच्छा नहीं लगता मुझे ये इसकी फिल्में उठा के देख लें आप, इसकी विकी डॉलर फिल्म है इसकी, वो देख लें उठा के आप, इसकी जो अभी इसने डॉक्टर जी के नाम से ये फिल्म लॉन्च की है इसकी, समझ में नहीं आ रहा यार, क्या बॉलीवुड में क्या हीरो की कमी है क्या। अगर भाई एक से एक टैलेंट है वहाँ पर यार, एक से एक टैलेंटेड है यार, मकसद मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि सब अच्छा नज़र आए यार उसके अंदर, कोई उसके अंदर कोई आर्ट होना चाहिए, कोई एक्टिंग होनी चाहिए, सस्ती कॉमेडी बिल्कुल यार, इससे अच्छी कॉमेडी तो जॉनी लीवर कर लेता है, बॉलीवुड का पुराना जॉनी लीवर है, इससे अच्छे तो बहुत सारे हैं उनके पास यार, एक से बढ़कर एक पड़ा हुआ उनके पास यार, उसके इसमें तो आप जॉनी लीवर को हीरो ले लेते यार, वो भी बन जाता है, ऐसी कॉमेडी करनी थी इससे अच्छी कर लेता वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप यार फिल्म बनाए हैं आप बॉलीवुड की, ये जो फिल्म बनाई है इन्होंने, ये क्या फैमिली के साथ देखने वाली है क्या फिल्म यार, अजीब गरीब किस्म की फिल्म बना ली इन्होंने यार, ठीक है, और मैसेज भी अजीब सा जा रहा है। आप ये देखें, देखिएगा फिल्म आपको फैमिली के हिसाब से देखने वाली तो आपको नहीं लगेगी, और इसमें जो कॉमेडी है वो इंतहाई डायलॉग इसके अजीब से इन्होंने शो आउट किए हैं, इसमें डायलॉग इन्होंने अजीब अजीब किए,
सकता है, ठीक है। और डायलॉग तो चलो मान ली बात, वो अजीब से डायलॉग मेरे को थर्ड डिग्री डायलॉग की थर्ड डिग्री नहीं होती वो है फिल्म के अंदर। ट्रेलर मैंने देखा फिल्म का, मैंने कहा यार ये क्या इन्होंने लॉन्च कर दिया। ट्रेलर भी देखे वो इंतहाई कोई इसमें क्या ना वुल्गर वुल्गर फिल्म है, मैंने कहा मतलब बिल्कुल वुल्गर फिल्म बनाई है इन्होंने यार, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। डॉक्टर जी के नाम से जो फिल्म अभी चल रही है, लेकिन ये कि लोग कह रहे हैं कि जी मैसेज है, एक चीज़ों पर पर्दा उठाया है, तो मैं कह रहा हूँ यार क्या चीज़ों पर पर्दा उठाया है कि डॉक्टर औरतों का डॉक्टर अगर बनना चाह रहा है, उसके पास सर्टिफिकेशन मुकम्मल होती है, रेटिंग्स के साथ उसको बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें करता हुआ आता है ऊपर। अब उनके मांस नहीं आया तो उसको गायनी में डाल दिया, या उसको ये औरतों के जो पोशीदा अमराज में डाल दिया उसको, यार ये कैसे हो सकता है। जनरल फिजिशियन भी डॉक्टर बनता है ना, जनरल फिजिशियन भी जब बनता है तो वो उसका पूरा बकायदा स्पेशलाइजेशन करता है, MBBS करता है, FRCS करता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें स्पेशलाइजेशन की करता है। अगर वो आँख का डॉक्टर है तो वो आँख किस पे जाएगा, ठीक है, नाक का नलक का डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो मतलब पूरे वो अलग स्पेशलाइजेशन है ना इनकी, कैटेगरीज होती है। ऑर्थोपेडिक का है तो वो ऑर्थो में जाएगा, इनको उठा के उसमें डाल दिए थे। ये कैसी यूनिवर्सिटी थी यार, ये कैसे डॉक्टर थे, मतलब ये क्या था इनका कि इन्होंने अच्छा वो भी दिखाई है, इनकी हीरोइन भी दिखाई है, ये अजीब सी वो दिखाया है यार, उसका समझ से बाहर है मुझे यार, मतलब कैसी फिल्में बना रहे हैं बॉलीवुड में यार, थोड़ी ढंग की बनाए फिल्में यार, अच्छी अच्छी होती है अच्छी फिल्म है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कैसी फिल्म लॉन्च की इन्होंने। तो आप देखिएगा, वैसे फैमिली के साथ नहीं देखिएगा, वल्गर फिल्म है, और फैमिली देखें फिल्म देखें आप, अगर जिसको इन्जॉय करना हो वो इन्जॉय करेगा, और मेरी नज़र में मेरे रिव्यू यही थे कि यार ये फैमिली के हिसाब से देखने वाली फिल्म नहीं है। तो मेरा ये सोचा आपको इंटरटेन करूँ, इस बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, ठीक है। और वैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये थोड़ी मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त की फिल्म थी, उसकी थोड़ी सी कॉपी मारी इन्होंने। ये मुन्ना भाई MBBS थी संजय दत्त की जो फिल्म लॉन्च हुई थी, उसमें भी वो डॉक्टरी में जाता है, लेकिन वो क्या करता है वो जाके एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम पास करता है और फिर वो पढ़ने जाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बन जाता, वो पहले स्टडी करता है, वो उसी एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के अंदर दिखाया है कि वो स्टडी करता हुआ आता है ऊपर, फिर वो जाहिर है वो दो नंबर तरीके से आता है तो वो फिर खुद ही बैग हो जाता है। लेकिन फिल्म मुन्ना भाई MBBS की तरह ही कुछ दिखाया है कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर ये सारी चीज़ें बन, वो ये डॉक्टर बन जाते हैं और फिर ये केसेस देखते हैं। खैर आप मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।